सो दोस्तों, गेंगार और ड्रैगनाइट के बाद अब बारी है माचेम्प की। वो कैसे, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल पोकेमोन गुरुजी में। और आज के दिन हम लोग बात करेंगे कि एस का तीसरा पोकेमोन कौन सा होगा गलार रीजन में। अभी तक उसने खाली दो पोकेमोन पकड़े हैं, वो है ड्रैगनाइट और गेंगार। उसके बाद पिकाचू पहले सी है और मिस्टर माइम उसकी मोम का है। तो लॉजिकली देखें तो अब उसका तीसरा पोकेमोन कौन सा होगा वो हमको फाइंड करना है। तो एक थ्योरी बहुत दिनों से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और वो है कि एस का तीसरा पोकेमोन माचेम्प होगा। उसमें बहुत सारे प्रूफ भी दे रखे हैं, तो पहले हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, इलाइट फोर जो है केंटो के, उनके पास एक सिग्नेचर पोकेमोन होता है। जैसे कि लेंस के पास है ड्रैगनाइट, एगिथा के पास है गेंगार, लॉरियल के पास है लेप्रस और ब्रूनो के पास है माचेम्प। तो अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो एस ने ड्रैगनाइट पकड़ लिया, एगिथा का गेंगार भी पकड़ लिया, लॉरियल की लेप्रस बात की जाए तो उसके पास लेप्रस पहले से थी, तो जो अब बचता है ना वो ब्रूनो बचता है। तो ब्रूनो के पास है माचेम्प, और अब इस बात के चांसेस लगभग 90% हो गए हैं कि ये माचेम्प पकड़े। और अभी अपकमिंग मर्चेंडाइज में हमको देखने को मिला है कि हमको एक माचेम देखने को मिला है। और मर्चेंडाइज का तो आप लोग जानते ही हो कि यार, जो पोकेमोन एस के पास होता है उसके मर्चेंडाइज ज़्यादा बिकते हैं, और माचेम का मर्चेंडाइज उन्होंने क्यों लॉन्च किया, कुछ तो सोचने वाली बात है ना। तो हाँ गाइस, एस पकड़ने वाला है माचेम्प, लगभग 90% श्योर हूँ। तो अगर वो माचेम नहीं पकड़ेगा तो बहुत सारे दूसरे पोकेमोन भी है, जैसे कि है हमारा लुकारियो। लुकारियो का भी बहुत सारा चांसेस है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है लुकारियो के ऊपर, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, पर मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लुकारियो जो पोकेमोन है एक धमाकेदार पोकेमोन है और फैन फेवरेट पोकेमोन है। अगर वो एस के पास आएगा एक बार और हिस्ट्री बन जाएगी, माचेम्प आएगा तो फिर से एक बार और हिस्ट्री बन जाएगी। तो गाइस, ये तो हो गई यार तीसरे पोकेमोन की बात। अब बात करते हैं बिल्कुल अर्जेंट टॉपिक पर, जो कि है कि क्या एस इस बार सोर्ड एंड शील्ड के पोकेमोन नहीं पकड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे एक इंस्टाग्राम पर एक सवाल आया था, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो हाँ गाइस, इस बार एस सोर्ड एंड शील्ड के पोकेमोन कम ही पकड़ेगा, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड टूर कर रहा है, तो दूसरे रीजन के पोकेमोन ज़्यादा पकड़ेगा। और इस बार के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि वो इस बार चैंपियन बन जाए, यानी कि इस बार वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, यानी कि पोकेमोन मास्टर बनेगा, ऐसी खबर आ रही है अंदर से। और क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, ये एस का लास्ट सीजन है। ऑफिशियल खबर नहीं है एस का लास्ट सीजन है, पर गो का आना और गो एक मेन कैरेक्टर है, तो मेरे हिसाब से इस बार एस का ये लास्ट सीजन होने वाला है। पर अगर हम एस को सपोर्ट करेंगे तो एस का ये लास्ट सीजन नहीं होगा, और वो आगे भी हमको दिख सकता है किसी रीजन में। तो एस को पूरा सपोर्ट करना ताकि एस का ये सीज़न लास्ट ना हो, और वो मेरे हिसाब से इस बार पोकेमोन मास्टर बन जाएगा, और अगले सीजन से हमको गो दिखेगा मेन लीड रोल में। तो आपको क्या लगता है कि यार, एस को जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? एस जाएगा नहीं अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे। सो गाइस, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ, और मैं आपसे मिलता हूँ यार अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आज का पोके क्विज है कि ये कौन सा पोकेमोन है।